Good morning friends, this is Deepak and you are watching Extreme Moto Adventure. और अभी हम हैं जम्मू में. रात को हम लेट हो गए थे और हमने लिया है होटल वरदान. और यहाँ का रूम जो है वो आप देख ही पा रहे हैं, 1600 पर रूम है. रूम काफ़ी अच्छा है, विद एसी है. और आप देख ही सकते हैं कि रूम की हालत जो बाइकर्स के हिसाब से होती है वो काफ़ी ख़राब है. सारा सामान फैला हुआ है हमारा. और अब हम तैयार हो गए हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, 7:30 बजने वाले हैं और हमें निकलना था 6 बजे के आसपास. 6 बजे खाली झूठ बोल रहे हैं, 4:30 बजे निकलना था, 6 बजे के बाद पहुंचे हैं ये लोग. सो गाइस, अब हम अपना होटल छोड़ रहे हैं. 8 बज चुके हैं और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग. दिल्ली? या ये पुरुथुदा ने अपनी बाइक धुलवाई है यहाँ पर. और ये है होटल वरदान. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो लगेज है वो लोड करते हैं. सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं अखनूर के लिए. अखनूर हमारे रास्ते में पड़ेगा. उसके बाद मुगल रोड होते हुए हम पीर की गली पहुंचेंगे. और पीर की गली एक बहुत ही ब्यूटीफुल पास है और उसके बाद जो नज़ारे हैं वो बहुत ही गजब हैं. पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप मिल जाएगा. चलो देखते हैं. हाँ, ये भाई चल रहा है. और हमें एक सब्सक्राइबर मिला और वो हमें स्कॉर्ट कर रहा है. बाहर सिटी से हमें निकाल देगा और हमारा जो टाइम है वो काफ़ी बचेगा. और ये भाई है जो आया है स्पेशली मिलने मुझसे. तो ऐसे लोगों से मिलकर, मेरे भाइयों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे. और मिलने के बाद जो इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की वो बहुत ही लाजवाब है. और मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है. और इतना प्यार, इतनी सपोर्ट मुझे मिलती है जब भी मैं अपने ट्रिप पर निकलता हूँ. कोई ना कोई मुझे हेल्प करता है. तो उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आते हैं और एक ट्रैवलर की हेल्प करते हैं. सीधा रोड है. हाँ, आप एक ही हाईवे पकड़ सकते हो आपकी रूट तक. ओके, थैंक यू. चलो भाई, थैंक यू यार, मिलकर बहुत अच्छा लगा यार. चलो, बहुत अच्छा लगा. क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार. गुलशन कुमार, ओके. चल भाई, अगर दोबारा आना हुआ दोबारा मिलूंगा, ठीक है ना? पक्का पक्का. चल, थैंक यू. और हम जा रहे हैं अखनूर. यहाँ से सीधा ये जो रोड है ये हमें अखनूर लेके जाएगा. बातें मलंग सी, रातें
तो जम्मू में हम कैमरा है कोई उठा लेंगे, कोई नहीं। तो जम्मू से हम टैंक फिल करा रहे हैं। थैंक यू। क्या रेट है पेट्रोल? 72। अभी बढ़ गया ना। और यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। थैंक यू। वहाँ पर एक रेस्ट हाउस है कश्मीर टूरिज्म का। लास्ट ईयर मैं वहीं पर रुका हुआ था और बहुत ही ऑसम प्लेस है। अगर आप कश्मीर आइए तो यहाँ पर रुकना बहुत ही अच्छा होगा। और जो ब्यूटी है, नदी के किनारे बना हुआ है रेस्ट हाउस, और शाम को जो मौसम होता है वो बहुत ही शानदार रहता है यहाँ का। और हम अखनूर के अंदर अब पहुँच चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं रजौरी पूंछ की तरफ। ओह 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 ओह, आराम से बेटा, आराम से। सो अब पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं और अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी ठंडक, थोड़े से कर्व्स, ये लीजिए, ज़बरदस्त। और हम जा रहे हैं वाया मुगल रोड। और दोस्तों, ये जो मुगल रोड है बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है। इस पर एक पास पड़ता है पीर की गली, जो कि बहुत ही फेमस पास है कश्मीर का। और ये एक अल्टरनेट रूट है श्रीनगर जाने के लिए। हालांकि ये जो रूट है ये थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन जो इसकी ब्यूटी है वो अनमैचेबल है। हेमंत सर की कावेरी हमारे आगे चल रही है और हेमंत सर बोल रहे हैं कि रुकने के लिए यहाँ पर। हाँ सर, पीछे से क्लिप ले लेना। हाँ, बन रही है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा रेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए, क्या टाइम हो गया? टाइम क्या हो गया? टाइम 10:35। भूख लगाई, ब्रेकफास्ट कर ले। मुझे शार्प टर्न्स के ऊपर जो नेगोशिएशन है ना, वो चाहिए भाई। टायर पे बहुत बढ़िया ग्रिप है। अच्छा, योकोहामा है ना? योकोहामा, पहले वाले से 1 इंच बड़े हैं। ओके, ग्रेट। लाइट ट्रक है। अभी मेरे ख्याल से ये चौड़े हैं पहले से ना। ओके,
सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक डिश दिखाता हूँ जो कि नॉर्थ इंडिया की एक फेमस डिश है और पंजाबी लोग इसको बहुत खाते हैं। और मक्की की रोटी ये देखिए लगा रखी है तंदूर के अंदर। और आप पहचान ही गए होंगे, ये है सरसों का साग और मक्की की रोटी। धूप काफ़ी तेज़ है और गर्मी भी बहुत लग रही है, लेकिन बाइक चलाते वक्त थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है, तो उस वजह से थोड़ी सी राहत है। वरना कश्मीर का मौसम भी अभी तो हमें गर्म ही लग रहा है, जबकि सितंबर आ चुका है, सितंबर एंड ही है, लेकिन मौसम में गर्मी बरकरार है। तो देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, साथ में हमारे नदी है और रोड बिल्कुल मक्खन है। और अभी रोड खराब है काफ़ी, ऑफ रोड है पूरा और आगे ट्रक चल रहा है जो कि धूल उड़ाता हुआ चल रहा है, और अगर ऐसा ही रोड रहा तो डोमिनार को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो पीर की गली जाते वक्त हमें ये जो दृश्य है वो नज़र आया, यहाँ से नदी बह रही है और जो पहाड़ है बिल्कुल ग्रीन है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं गांव में, और ये जो दृश्य है बहुत ही शानदार लग रहा है। और देखिए यहाँ पर हमने अपनी बाइक पार कर रखी है रोड पर, तो पृथुदा कहाँ जाना है? चलेंगे पुंच अभी, जहाँ तुम लेके जा रहे हो। लंच कहाँ कराओगे सर? लंच भी करना है? ले पेट तो भर गया, फर्स्ट क्लास। देखते हैं पुंच में कुछ तो। चलो दादा स्टार्ट करो शुरू से। चलो गजब गजब गजब। और दोस्तों अभी जस्ट हम गुजर रहे हैं रजौरी से, और ये सारा जो एरिया है ये इनर कश्मीर में आता है, रजौरी नौशेरा। नौशेरा हमने काफ़ी पहले क्रॉस कर दिया, पूछना पड़ेगा पीर की गली। भैया पीर की गली, पीर की गली सीधा ना, फिर तो क्या हुआ, श्रीनगर भी तो यही रास्ता जाएगा ना। चल 200 किलोमीटर बाय। और लोग बोल रहे हैं कि बड़ा दूर है श्रीनगर अभी, लेकिन जैसे कल हम पहुंचे थे रात के 10:30-11 बजे जम्मू, हमने कवर किए 620 किलोमीटर के आसपास, और आज का जो टारगेट है हमारा है श्रीनगर, और श्रीनगर अभी भी 200 किलोमीटर दूर है। करीब करीब बच चुके हैं 3,
तो शाम तक मेरे ख्याल से कवर हो जाने चाहिए ये 200 किलोमीटर, लेकिन उसके बीच में एक पास है पीर की गली, तो हमें वो क्रॉस करना पड़ेगा। क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है ये, साइड में छोटे छोटे गांव हैं, उनके खेत हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र रजौरी। ओ वाओ वाओ वाओ, ब्राउन ब्यूटी। और जिन गांवों के बीच में से निकल रहे हैं हम, बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है, और इनकी जो फसलें हैं वो भी अभी लगी हुई हैं। तो एक छोटा सा ढाबा है, वेलकम टू, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और डोमिनार भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई, लेकिन मैं अपनी पल्सर 220 को ज़्यादा रैंकिंग दूंगा ऑफ रोडिंग में और हिल्स में डोमिनार के मुकाबले। राजकोट 5 किलोमीटर, हम भी अकेले तुम भी अकेले, मज़ा आ रहा है कसम से। क्या ब्यूटीफुल वैली है, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देख के, मज़ा आ गया देख के। क्या कलर्स हैं, अल्टीमेट। और प्रतुदा फोटो लेते हुए वैली की। ओके भाई चल भाई, चलो सर निकलते हैं। ओके सर थैंक यू। चलिए चलिए, बहुत मौका नहीं मिला, खाने पीने पहले बता दो, खाना ना बनाते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ ठीक है, चलो ओके। सो गाइस, जस्ट अभी हम पहुंचे हैं पुंछ, और श्रीनगर अभी भी बहुत दूर है। कितना रह गया श्रीनगर, 180? जल्दी निकलो। सो फ्रेंड्स, ये है पुलिस स्टेशन पुंछ का सामने, और पुतुदा तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। जल्दी चलो जल्दी चलो, मैं आगे चल रहा हूँ। सो जस्ट हमने अभी पुंछ क्रॉस किया है, वेलकम टू पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न। और अभी भी जो हमारा डेस्टिनेशन है बहुत दूर है, पता नहीं कब तक हम श्रीनगर पहुंचेंगे। ज़बरदस्त, और जो ब्यूटी है यहाँ की बहुत ही शानदार है। कार्स बहुत जल्दी जल्दी है, जिसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लग रहा है पहुँचने में, लेकिन रोड्स और यहाँ की ग्रीनरी, बाय गॉड जस्ट अमेजिंग। वाओ, और आज हमारी राइड का दूसरा दिन है। हमने सुबह स्टार्ट कर दी थी अपनी राइड करीबन 9:30-10 बजे, और अभी टाइम हुआ है 4:15 हो चुके हैं, और अभी भी हमारा टारगेट बहुत दूर है। काफ़ी ब्रेक्स हो गए हमारे, इस वजह से भी थोड़ा हम लेट हैं, तो कोशिश करेंगे तो श्रीनगर ज़रूर पहुंचेंगे हम।
लेकिन यहाँ की जो ब्यूटी है बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से हमें फ़ोटोग्राफ्स वगैरह के लिए बार बार रुकना पड़ता है। और ये जा रही हेमंत सर की कावेरी, और लिखा हुआ है इस पर रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट। जस्ट डियर स्टूडेंट्स, जस्ट से नो टू सुसाइड। तो काफ़ी अच्छे पर्सन हैं हेमंत सर, काफ़ी सारे मैसेजेस देते हैं लोगों को, और कभी भी ये किसी की मदद से पीछे नहीं हटते। कभी भी कोई अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ऑन रोड कुछ भी होता है किसी को भी, तो सबसे पहले मदद के लिए ये आगे आते हैं। लो बोलो कुछ। रिकॉर्ड हो रहा है? सब हो रहा है। हाँ चले, चल भाई, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी हम पहुँचे हैं बाफलियाज ब्रिज, जो कि मुगल रोड पर है। यहीं से मुगल रोड स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो श्रीनगर है वो काफ़ी दूर है, यहाँ से करीब करीब 130-140 किलोमीटर है। और यहाँ पर हमने अपनी बाइकें लगा रखी हैं। अभी ये मेरी डोमिनार और वो खड़े पुरुथुदा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए बाफलियाज ब्रिज है ये, जो कि मुगल रोड को कनेक्ट करता है। और दोस्तों ये है मुगल रोड, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए क्या गजब का नजारा है। और ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यहाँ के, और मौसम में अब थोड़ी सी ठंडक आ गई है, क्योंकि हम पीर की गली के पास पहुँचने वाले हैं। और देखिए क्या ब्यूटीफुल शानदार नज़ारा है। और पुरुथुदा अपनी फटफटिया को भगाते हुए हिमालयन को, ज़बरदस्त। चट्टा पानी ब्रिज। तो चट्टा पानी ब्रिज हम पहुंच चुके हैं जस्ट, और काफी ऑफ रोडिंग है अभी। जो रोड है वो बहुत ही खराब है, और यहाँ पर बाइक चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और अभी का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पीर की गली पहुंचा जाए, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है जैसे जैसे हम हाइट गेन करते जा रहे हैं। और हाथ मेरे सुन हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ लोकल टूरिस्ट एंजॉय करते हुए।
और इस ब्रिज का नाम है रत्ता चाम ब्रिज। काफ़ी सारे ब्रिज पड़ चुके हैं, पहले बाफलियाज पड़ा, फिर उसके बाद नाम मैं भूल चुका हूँ, और ये था रत्ता चाम ब्रिज। और यहाँ का जो रोड है वो अब ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। मेरा जो वाइज़र है हेलमेट का, उसमें भी फॉग जम गया है, तो खोल के चलाना पड़ रहा है वाइज़र, धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है, फॉग आ रहा है सेम टाइम, तो आगे दिखाई देने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर है पीर की गली, और ये हेमंत सर की कावेरी कश्मीर में टहलती हुई। अरे बाप रे, धूल ना ही उड़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है देखने में। अरे सर, शिट, और रोड की कंडीशन आप देख ही सकते हैं, पूरा ऑफ रोड है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। बस गाड़ी में से आवाज आ रही है टैक 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 टैक, कहीं ना कहीं लगने की, कभी सैडल स्टे लगता है, कभी जो मेरा लगेज है वो उछलता है, जबकि बहुत अच्छे तरीके से बांधा हुआ है। तो अब थोड़ा सा रोड ठीक आया है, दो दिन हो चुके हैं और एडवेंचर बरकरार है। कल बहुत थक गए थे और आज भी हमारी ऐसी ही हालत है, और कौन बिलीव करेगा कि 7 बजे के आसपास हम एक पास क्रॉस कर रहे हैं पीर की गली, वो भी कश्मीर में। बस पीर बाबा की मेहर होनी चाहिए तो हम श्रीनगर सेफ पहुंचेंगे। पहले भी आया था लास्ट ईयर में, तो इसी रोड से गुजरा था, उस टाइम तो यहाँ पर बारिश हो रही थी, तब मैं अपनी पल्सर 220 पे था। लेकिन जो रोड की हालात हैं पहले जैसी ही है, टूटा फूटा रोड है, ऑफ रोड है, लेकिन जो साथ में नज़ारे आते हैं देखने के लिए बहुत ही शानदार है। जितना भी पेन होता है इनको देखकर बिल्कुल चला जाता है, और इतनी खुशी मिलती है कि पूरे दिन में हमने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे, तो ये जो भी दर्द है, पेन है ऑफ रोडिंग का, राइडिंग का, पूरा वर्थ है। और फिर इसी से इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें अगले दिन भी बहुत ही गजब के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं अगले दिन के लिए, और यहीं से निकल जाते हैं हम, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है थोड़ी सी, और हम पहुँचने वाले हैं पीर की गली, जस्ट सामने ही है, मुश्किल से 1 किलोमीटर है, और ठंड बढ़ चुकी है और थोड़ा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हाई माउंटेन पास है, और ये हमारी जर्नी का सबसे पहला पास है जो कि हम क्रॉस कर रहे हैं। तो लीजिए
पीर की गली सामने ही है। लीजिए पहुंच चुके हैं हम पीर की गली, पीर की मज़ार, और यही है यहाँ पर काफ़ी ठंड है। नीचे चल के चाय पीते हैं और निकलते हैं, ठीक। फोटो लेनी है इधर? हाँ मैं एक बार लेता हूँ, लूँगा मैं। तो सामने ही पीर की गली है, पीर की मज़ार है। जस्ट अभी 7 बज चुके हैं और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हो काफ़ी ठंड है तो सर कैसा लग रहा है भाई? मज़ा आ गया गुरु, लेकिन ठंड बहुत हो चुकी है। ठंड हो चुकी है, पर एक बार बताओ यहाँ पे वो ट्रेन के अंदर जब तुम निकल रहे थे, हाँ बढ़िया वीडियो आनी थी। वीडियो आनी थी सर, लेकिन हमें जल्दी निकलना, अभी बहुत दूर है श्रीनगर। तो फिर यहाँ अभी क्यों रुक रहे हो? अभी यहाँ पे बस चाय पियेंगे और निकल रहे थे। ये है पीर की गली, एक माउंटेन पास है, यहाँ पर पीर की मज़ार भी है। यहाँ पर पूरे कश्मीर से मत्था टेकने आते हैं और बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी वहाँ पर उनकी पूजा चल रही है। और फ्रेंड्स ये जो रोड है मुगल रोड, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से, और ये एक अल्टरनेट रूट है। हम पहुँचे हैं पीर की गली, और इसको एक माउंटेन पास भी कह सकते हैं आप। ये काफ़ी हाइट पर है, यहाँ की हाइट यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, शायद आगे लिखी हो। तो यहाँ ये एक रिलीजियस प्लेस भी है, तो यहाँ पर लोग सजदा करने भी आते हैं, तो बच्चे भी खड़े हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स पीर की गली में थोड़ी देर रुकेंगे हम, और यहाँ पर मैगी पक रही है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी देर लगा रहे हैं। चावल लगा रहे हैं, दूध है ये चावल। तो खिला रहे हो क्या? मैगी ले रहे हम। अरे वाह, फटाफट। अच्छा कश्मीर श्रीनगर कितनी दूर है यहाँ से? 90 किलोमीटर 85 यहाँ से शोबे 40 शोबे से आगे 50 तो निगिन क्लब पर पहुँचे हम। यहाँ पर हमारे जिब्रान भाई मिलेंगे, उन्होंने यहाँ पर हमारा रूम वगैरह मेरे ख्याल से बुक कर रखा है। ओ बहुत घूम लिया यार, और बाइक चला चला के पिछवाड़े में दर्द हो गया है, दिखा नहीं सकता। और हम घुस गए थे थोड़ा सा गलत। अरे जिब्रान भाई बस बढ़िया 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 जिब्रान का नाम बहुत बढ़िया। और टाइम लगा आपने क्या बात? बीच में आर्मी वालों ने रोक लिया था। अच्छा, तो वहाँ पे 15-20 मिनट लग गए। चलो ठीक है, आप आ जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊँ बैठा। हाँ हाँ जगह है। अरे फंस के बैठे नहीं, क्या जगह? या फिर आप आ जाओ बस। चलो ठीक है। बाइक्स कहाँ पे रखें? सेफ है अंदर।
और सामान सामान आ जाएगा ना सारा। अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा वैसे। जाऊं मैं? हाँ जी। ओए उत्तर। चलिए 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 चलिए। वेट वेट वेट। बैलेंस बैलेंस बराबर। चलिए। और इस साइड में इस साइड। हाँ हाँ लेफ्ट साइड। ओके। जेल को बैलेंस बनाएगा ना तुम? हाँ। अच्छा। ओ बाबा।